तो पूर्वांचल को पीएम का दिवाली गिफ्ट मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के 9 जिलों को बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी सिद्धार्थनगर के अलावा यूपी के 8 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम सिद्धार्थनगर के डीएसए ग्राउंड पर बने सभा स्थल पर होगा। यूपी के जिन जिलों में बने मेडिकल कॉलेज का पीएम वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं उनमें देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में बने मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज सिद्धार्थनगर आ रहे हैं और सिद्धार्थनगर में यहां पर आकर यहां पर बने हुए माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ अन्य मेडिकल कॉलेज की भी सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को आज प्रधानमंत्री यहीं से देंगे। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटे सिद्धार्थनगर में रहेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश की जो तमाम जनता है उसको स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो तमाम मेडिकल कॉलेज हैं उनकी सौगात तो देंगे ही। इसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए अलग अलग राज्य जाते थे, यहाँ तक कि लखनऊ जाते थे, उनके लिए अब यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई हो सकेगी। 100 सीटों का ये जो पूरा मेडिकल कॉलेज है ये बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे। इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी बने हुए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री आज यहीं से करेंगे। कैमरामैन रामलचंद्र, विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पीएम 1,189 करोड़ रुपए की कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की यह जनसभा वाराणसी के अराजी लाइन विकासखंड के रिंग रोड 2 के पास मेहंदीगंज गांव में होने जा रही है। कोरोना काल के बाद ये पीएम मोदी की पहली जनसभा है और इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को वाराणसी आए थे और लगभग 1,583 करोड़ की 280 छोटी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। जिस तरह देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अहम मकाम है, ठीक उसी तरह से यूपी की राजनीति में पूर्वांचल का भी अपना ही एक स्थान है। कहते हैं कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल की जीत से होकर निकलता है। पिछले चुनाव में बसपा सपा से लेकर बीजेपी ने भी पूर्वांचल को जीत कर ही सूबे की सत्ता पाई है। योगी सरकार पूर्वांचल में 2017 में मिली अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी का पूरा जोर पूर्वांचल पर है। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का संबंध पूर्वांचल से है और यही वजह है कि बीजेपी ने 2022 में जीत के लिए मोदी योगी के चेहरे को फिर से आगे किया है। दीपावली से पहले अपने काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसके तहत 5,189 करोड़ रुपए से निर्मित परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं के लोकार्पण के बाद जहां एक तरफ देश के उद्योग धंधों में कहीं ना कहीं उछाल आएगा तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन से संबंधित उद्योगों को भी एक नई उड़ान मिलेगी। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:30 बजे वाराणसी के मेहंदीगंज स्थित सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी योजना आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा देखा जाए तो 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बहुमत दिलाने के नजरिए से भी काफी अहम साबित होने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी अपने इस दौरे में काशी को करोड़ों की सौगात देंगे, जिसमें ज्यादातर योजनाएं सड़कों और रिंग रोड से जुड़ी हैं। पीएम मोदी 5,000 करोड़ की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। नेशनल लॉन्च वाराणसी से होगा। प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें मुख्य रूप से वाराणसी का रिंग रोड फेज 2 का पैकेज 1 है, जो NH2 को NH56 से जोड़ेगा। ये करीब 16.9 किलोमीटर लंबी रिंग रोड है। इसके साथ साथ पीएम मोदी NH29 का 72 किलोमीटर लंबा वाराणसी गाजीपुर सेक्शन पर बनी सड़क का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी काशी दौरे से पहले सिद्धार्थनगर दौरे पर भी जाएंगे, जहां वो 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। कार्य है कि वह एयरपोर्ट से सीधे जो कार्यक्रम स्थल है राजा तालाब के रिंग रोड के जो नवनिर्मित रिंग रोड है, बहुत आलिशान रिंग रोड बना है और भारतीय जो केंद्र की सरकार है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण ने बनाया है, अद्भुत सड़क है। आप देख सकते हैं कि रात की चकाचौंध, वहाँ प्लांटेशन, लोग सेल्फी लेने जा रहे हैं। बनारस के लोगों को लग रहा है कि एक विस्तार बनारस खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं की सौगात के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों से अलग अलग विधायक और मंत्रियों को 50,000 लोगों को बुलाने का लक्ष्य दिया गया है। माना जा रहा है कि नाराज किसानों को मनाने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की जनसभा कराने का फैसला किया है। काशी के मेहंदीगंज गांव में ये जनसभा होगी। मेहंदीगंज गांव किसानों की आबादी वाला हिस्सा है। पीएम मोदी की रैली से बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली और पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम, अब 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। उन 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। ये 4 तस्वीरें जरा आप देखिएगा। यूपी पर विजय की पूरी तैयारी हो चुकी है। सिद्धार्थनगर को सौगात चुकी आज मिलने वाली है। 5200 करोड़ का उपहार जो है दिवाली के उपलक्ष्य में मिलेगा। और काशी में हर हर मोदी होता हुआ नजर आएगा। जरा और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सौगातें आज मिलने वाली हैं। और ये हम आपको बता दें कि काशी में हर हर मोदी होगा, 5200 करोड़ का उपहार मिलेगा। दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात जो है ये फिलहाल मिलने जा रही है। तो उसी की ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम ये समझाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के आज का जो कार्यक्रम है वो कैसा रहने वाला है। 25 अक्टूबर यानी कि आज की ये तारीख प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर दौरा होगा। सुबह 9:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सुबह 9:45 पर गोरखपुर से सीएम योगी के साथ वो सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 10:20 पर पीएम मोदी और सीएम योगी सिद्धार्थनगर हेलीपैड पहुंचेंगे। सुबह 10:30 पर हेलीपैड से सड़क मार्ग से बीएसए ग्राउंड वो पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 से 11:30 तक 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाना है। कॉलेज के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11:35 पर जनसभा स्थल से सिद्धार्थनगर हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद 11:45 पर सिद्धार्थनगर हेलीपैड से गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे। इसके बाद का कार्यक्रम ये कि 12:25 पर गोरखपुर से वाराणसी के लिए वो रवाना होंगे। ये तमाम कार्यक्रम आज उनका रहने वाला है। इसके बाद अब कुछ और चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। ये हम बता दें आपको, दोपहर 1:05 पर वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 पर हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज ग्राउंड उन्हें पहुंचना है। दोपहर 1:30 से 2:30 तक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:00 दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं। और कुछ चीजें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दिवाली से पहले काशी को सौगात मिल रही है प्रधानमंत्री का 25 अक्टूबर को, कि आज वाराणसी आगमन हो रहा है। और दीपावली पर काशी के जनता को 1 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री आज देंगे। काशी में 5189 करोड़ के 28 परियोजनाओं का लोकार्पण आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री वाराणसी से आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत का भी शुभारंभ करेंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत 64,180 करोड़ की देशव्यापी योजना सीएम योगी की निगरानी में आकार ले रही है। काशी के विकास की योजनाएं परियोजनाओं से देश के उद्योग धंधों को रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा काशी के पर्यटन उद्योग को भी एक नई उड़ान मिलेगी। पीएम दोपहर बाद वाराणसी के मेहंदीगंज गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री का रहने वाला है। और आज प्रधानमंत्री मोदी करीब 30 योजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं। ये भी हम आपको बताते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जिनका प्रधानमंत्री मोदी आज उद्घाटन करेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। काशीवासियों को दिवाली गिफ्ट मिल रहा है। मंडी परिषद में पेस्टिसाइड लैब, अराजी लाइन में एग्रीकल्चर फार्म मिलेगा। इसके अलावा शहनशाहपुर स्थित बायोगैस प्लांट, आईटीआई करौंदी में आवासीय भवन, बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल में 200 रूम, राजपूताना ग्राउंड में स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, वाराणसी गोरखपुर NH-29 का पैकेज 2, रिंग रोड 2 का पैकेज 1, 10 MLC क्षमता की रामनगर STP वरुणा का तट, सौंदर्यकरण और चैनलाइजेशन गंगा गोमती के कैंथी संगम तक सौंदर्यकरण। ये तमाम चीजें। और हमारे साथ 2 लोग जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थनगर से और वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थनगर से विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं, वाराणसी संकल्प हमारे साथ हैं। सबसे पहले सिद्धार्थनगर का रुख करते हैं। विशाल,
किस तरीके की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद निगाह बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी सौगात यहाँ पर से मिलने जा रही है, तो क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, आज सिद्धार्थनगर 10:30 बजे प्रधानमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और यहीं पर ही जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस वक्त जो मंच है उसको बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, बस इंतज़ार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 9 मेडिकल कॉलेज हैं, उनका आज उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री करेंगे। चूँकि सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी जो राजकीय जो मेडिकल कॉलेज है वो बनकर के तैयार हो चुका है, यहाँ से उसके उद्घाटन कार्यक्रम को तो संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ अन्य अलग अलग जिलों में 8 जो मेडिकल कॉलेज बने हैं उनका भी आज जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। और फिलहाल सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी टाइट रखी गई है, चूँकि प्रधानमंत्री का दौरा है और ऐसे में नेपाल बॉर्डर पड़ता है सिद्धार्थनगर, और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसी काफ़ी चौकन्नी है और अलर्ट जो है वो चूँकि पहले ही जारी कर दिया गया था, तो ऐसे में किसी तरह से कोई चूक ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि जनसभा में को संबोधित जो करेंगे वो करीब 2 लाख के आसपास की भीड़ की उम्मीद लगाई जा रही है। मतलब साफ है कि कुशीनगर के बाद एक बड़ी जनसभा जो है वो यहाँ पर संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। चूँकि सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत पिछड़ा जिला माना जाता था, लेकिन अब जिस तरह से ये मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तमाम जनता को संबोधित करेंगे तो एक बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा। क्योंकि अभी अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो प्रधानमंत्री जो है वो कुशीनगर आए थे और कुशीनगर में उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी, उसके बाद अब सिद्धार्थनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की जो है सौगात देंगे। इसके साथ साथ अलग जिलों में जहाँ जहाँ पर गाजीपुर हो टाओ यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाए गए वहाँ पर उनकी जनता सौगात देंगे और ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत हो जाएगी जो MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में 100 सीटें हर मेडिकल कॉलेज में रहेंगी। फिलहाल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। 10:30 बजे का समय है और करीब 2 घंटे तक प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर रहेंगे। और इस दौरान चूँकि सिद्धार्थनगर की जब हम बात करते हैं तो सिद्धार्थनगर का जो फेमस चावल जो काला नमक चावल है वो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, तो ऐसे में यहाँ पर उसका जिक्र हो सकता है कि प्रधानमंत्री जरूर करें। चूंकि लगातार यानी कि अब इंतजार ये करना होगा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं विशाल, चूंकि यहाँ पर काफी सारी सौगातें तो मिलेंगी ही, उसका जिक्र हम लगातार कर ही रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इस वक्त संकल्प भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। संकल्प, वाराणसी वासियों को भी बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए अगर बात की जाए काशी की तो जितनी बार प्रधानमंत्री का दौरा होता है काशी में उत्साह होता है और लोगों को उम्मीद रहती है कि पहले से कई और बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। तो इस बार अगर बात की जाए इस दौरे को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में 5189 रुपये से जो निर्मित जो परियोजनाएँ हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो परियोजनाएं ये 28 परियोजनाएं वो परियोजनाएं हैं जिनको काशी के सौंदर्यीकरण विकास पर्यटन से जोड़ के देखा जा रहा है और तमाम जो ऐतिहासिक काम पहले भी हुए हैं। और ऐसे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक परियोजना जो तैयार की गई है जिसमें आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो सोच थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ऐसे में गोबर से CNG बनाने का जो प्लांट है उसका भी आज उद्घाटन करेंगे और 5189 करोड़ रुपये की योजनाएं आज काशी को सौगात के रूप में मिलने वाली है। हालांकि बात की जाए प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए काशी की जनता बेहद बेताब नजर आ रही है, लोग भारी संख्या में पहुंचने की जो कयास लगाए जा रहे थे उसको आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो लक्ष्य रखा गया है करीब 2 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया जिसमें करीब 45,000 किसान होंगे। किसानों पे भी बेहद भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से फोकस है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो इसके पहले प्रियंका गांधी ने यहाँ से किसान न्याय यात्रा निकाली थी जिसके बाद में लगातार तमाम पार्टियों में इस किसानों को लेकर के एक होड़ मची हुई थी, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि किसान उनके साथ है उत्तर प्रदेश का, और ऐसे में तमाम बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली। करीब अपने कार्यक्रम के अनुसार 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहंदीगंज स्थित सभागार स्थल पर पहुंचेंगे जहां वो तमाम परियोजनाओं की सौगात काशी की जनता को देने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो कार्यक्रम के अनुसार ही आज अगर बात की जाए तो पूरा जो काशी है उस पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, आसपास के इलाकों से जो आने वाले वाहन है उन पर निगाह रखी जा रही है और SPG ने चूंकि कल से ही पूरे अपने अंडरटेकिंग में जो सभा स्थल है उसको ले लिया था, तो ऐसे में एक बड़ी यानी कि बड़ी सौगातें आज संकल्प यहाँ पर मिलेंगी। विशाल और संकल्प, आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये जो कार्यक्रम रहने वाला है उसकी जानकारी